हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एनर्जी स्टोर यानी कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे कि जब हम कैपेसिटर को कभी भी एक्सटर्नल फील्ड से हमारे एनर्जी देंगे तो उसमें एनर्जी कैसे स्टोर होगी और बाद में जब एनर्जी उसमें स्टोर हो जाती है तो उस कैपेसिटर से कैसे एनर्जी रिलीज होती है, इन चीजों के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को और आज का हमारा टॉपिक है एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, ठीक है। तो हमको करना क्या है, हमको पैरेलल प्लेट एक कैपेसिटर बनाना है। देखिए, ये हमारा एक कैपेसिटर है। इस कैपेसिटर को हमको पोटेंशियल डिफरेंस से जोड़ देना है। ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। अब होगा क्या, इसका जो भी पोटेंशियल है वो इसके क्रॉस में आ जाएगा और इससे चार्जेस इसमें जाएंगे, ठीक है। अब क्या होगा कि ये पॉजिटिव के कारण इसमें पॉजिटिव आता है, ये नेगेटिव के कारण इसमें नेगेटिव आता है। अभी तक हम ये समझते थे, ठीक है। अब हमको समझना है कि चार्जेस इसमें आते कैसे, ठीक है। तो यहां से ऐसा नहीं कि यहां से उठ के यहां चार्ज चला जाता है। होता क्या है, इसके कारण ये जो पोटेंशियल है ये क्या होता है, ये प्लेट जो है ये क्या होता है, नेगेटिव पोटेंशियल बनने की कोशिश करता है बिकॉज ऑफ दिस। तो इसके अंदर, इस प्लेट के अंदर हमारे चार्ज तो होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, ऑटोमेटिकली इसके अंदर रहते हैं, मिलियंस ऑफ रहते हैं, ठीक है। तो जब इसके अंदर नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस हैं, पर इसके कारण, इस नेगेटिव के कारण ये प्लेट क्या करने की कोशिश करेगा, अपने आप को नेगेटिव प्लेट बनाने की कोशिश करेगा, ठीक है। फिर समझिए, इसके कारण ये अपने आप को क्या करेगा, नेगेटिव प्लेट बनाने की कोशिश करेगा। जब इसमें से नेगेटिव प्लेट बनेगा ये, ठीक है, तो इसमें से हमको पॉजिटिव निकालेंगे तभी नेगेटिव बन सकता है। हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था कि किसी भी चीज को अगर मुझे नेगेटिव, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव वेल डिस्ट्रीब्यूटेड है, दोनों की क्वांटिटी अगर सेम है, अगर मुझे इसको नेगेटिव बनाना है तो मैं क्या करूंगा, इसमें से पॉजिटिव को निकाल दूंगा बाहर, तो ये क्या हो जाएगा, मोर नेगेटिव हो जाएगा। तो ये मोर नेगेटिव के कारण हम इसको बोल सकते हैं कि ये एक नेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है। तो वैसे हमको इसमें भी करना है, तो इसको नेगेटिव बनना है तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज को यहां से यहां भेज देगा। क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज को यहां से यहां भेज देगा, या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। वैसे तो देखा जाए तो चार्जेस ही खाली जाते हैं, ठीक है। आप ऐसा भी बोल सकते हो कि ये अगर पॉजिटिव है तो ये अपने आपको पॉजिटिव बनाने के लिए नेगेटिव वाले को इधर भेज देगा। इसको आपको क्या करना है कि इसको ये बैलेंस करेगा और इसका जो नेट चार्ज है वो क्या करना है, इसको जीरो करना है। तो इसमें नेगेटिव और इसमें पॉजिटिव बनाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब आपको फोर्स लगेगा यहां से, देखिए इलेक्ट्रॉन को ही फोर्स होता है, ठीक है। तो जब इसको यहां से फोर्स लगेगा तो ये यहां से स्मॉल चार्ज उठ के यहां चला जाएगा, कितना स्मॉल चार्ज। तो जो यहां से यहां ये जा रहा है, इस पोटेंशियल के कारण इस पे, इस चार्ज पे क्या हो रहा है, वर्क डन हो रहा है। और यही वर्क डन क्या होता है, हमारा एनर्जी के फॉर्म में इसमें स्टोर हो जाता है। फिर समझिए, यही जो वर्क डन हो रहा है, डी क्यू चार्ज जो यहां से इस प्लेट की तरफ जा रहा है, ये चार्ज हमारा एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। कौन सा एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में इन दोनों चार्ज प्लेट के बीच में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। और ये फील्ड लाइंस बनाएगा इस साइड में। तो बाद में क्या होता है कि जब ये चार्ज, ये जो कैपेसिटर हमारा जब फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो इसके अंदर फुल्ली पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है और उसके बाद इसमें से हम चार्जेस को ले लेते हैं और इस कैपेसिटर को डिस्चार्ज करते हैं किसी भी लोड के अक्रॉस में। तो ये था टोटल प्रोसेस। फर्स्टली हमको क्या करना है, इसको चार्ज करना है। चार्ज करने के लिए ये नेगेटिव प्लेट है, नेगेटिव प्लेट होने के कारण ये अपने आपको नेगेटिव बनाने के लिए इसमें से पॉजिटिव को जंप करवाएगा, यहां से चार्ज को इसको भेजेगा, ठीक है। तो जो चार्ज यहां से यहां जा रहा है उस पर क्या हो रहा है, वर्क डन हो रहा है ड्यू टू दिस पोटेंशियल, और इसको हम वर्क डन बोलेंगे। तो हम लिख सकते हैं फॉर्मूला, स्मॉल वर्क डन किसके कारण, इस पोटेंशियल के कारण क्या हो रहा है, डी क्यू के साथ हो रहा है। फिर समझिए, स्मॉल वर्क डन हो रहा है किस पे, डी क्यू पे हो रहा है। कौन से पोटेंशियल के कारण हो रहा है, इस वी पोटेंशियल के कारण हो रहा है। और ये जो स्मॉल वर्क डन हो रहा है यही एनर्जी के फॉर्म में इस कैपेसिटर पे स्टोर होते हुए जाता है, ठीक है। तो
तो ये एकदम क्लियर हो गया होगा आपको। अब हमको क्या करना है, इस पे पता करना है कि हमारा एनर्जी स्टोर जो रहा है उसका इक्वेशन हमारा क्या बनता है। ठीक है, तो सिंपल सा है वी, तो हमारे पास में एक फॉर्मूला है C इक्वल टू क्यू अपॉन वी। तो अगर मुझे वी चाहिए तो मुझे वी को यहां ले आइए, सी को यहां ले आइए, तो हमारे पास में क्या आएगा, वी इक्वल टू क्यू अपॉन सी। ठीक है, इस फॉर्मूले को आपको यहां पुट करना है, तो सिंपली लिख सकते हैं क्यू अपॉन सी डी क्यू और ये डी डब्ल्यू। अब हमको पता करना है कि पूरा का पूरा जब चार्ज इसमें से इधर उठ के जाएगा, टोटल वर्क डन होगा जब, तो कितना चार्ज उसके अंदर है, क्या इक्वेशन हमारा बन रहा है, इसको हम समझते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। कहां से कहां तक करेंगे, जीरो से, मतलब एक भी चार्ज यहां से यहां नहीं गया है, कहां तक जाएगा, फुल चार्ज, यहां से कंप्लीट चार्ज उठ के यहां जाएगा, इस प्लेट को फुल्ली नेगेटिव और इस प्लेट को फुल्ली पॉजिटिव बनाएगा। ठीक है, और इसके अंदर हमारा एनर्जी स्टोर हो जाएगा। तो देखिए यहां से यहां आया, अब हमारे पास में ये dq के कारण ये हमारा वेरिएबल है चार्ज, ये c जो है इस प्लेट के बीच का जो भी हमारा कांस्टेंट वैल्यू, इसका हमको कैपेसिटर जिसको बोलते हैं, कौन कैपेसिटर जो होता है वो चार्ज पे डिपेंड नहीं होता, कैपेसिटेंस इस प्लेट की कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड होता है, किसका कितना वॉल्यूम बनाया गया है या फिर कितना एरिया रखा गया है। ठीक है, तो ये c जो वैल्यू है ये कांस्टेंट, इसको आप बाहर निकाल लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू q। ठीक है, यहाँ q आया डॉट डी क्यू, जब q का आप इंटीग्रेशन करते हैं तो बहुत ही सिंपल सा इंटीग्रेशन है हमारा, q का इंटीग्रेशन किए तो q इसके ऊपर 1 पावर है, तो यहाँ लिखिए 1 प्लस 1 डिवाइड बाय इसी 1 को यहाँ 1 प्लस 1 और लिमिट पुट कर दीजिए 0 टू q का। ठीक है, बहुत सिंपल सा था, इसको लिखिए 1 अपॉन c, q को लिखेंगे तो q स्क्वायर और ये 2, तो हमारे पास में फॉर्मूला आएगा, इस टू को यहां लिख लीजिए हाफ सी क्यू स्क्वायर और ये हमारा बना वर्क डन। तो ये जो वर्क डन का फॉर्मूला है ये आया टोटल वर्क डन का फॉर्मूला, टोटल वर्क डन। ठीक है, बहुत सिंपल सा था, टोटल वर्क डन का हमारा फॉर्मूला आ गया और यही हमारा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में यहां स्टोर हो जा रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर। अब हम देखते हैं कि एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी फॉर्म में, अगर हम इसको डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में लिखें कि कितना इसकी डेंसिटी है और कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इसका क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो उसको हमको कैसे बनाएंगे, तो हमारे पास में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की इक्वेशंस है, आप मेरे प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं, तो कुछ फॉर्मूले हमारे पास में यहां रखे गए। तो सबसे पहला फॉर्मूला है C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ये एक फॉर्मूला है हमारे पास में कैपेसिटेंस का। ठीक है, उसके बाद आता है Q, तो हमारे पास में एक और फॉर्मूला है Q, तो सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन एरिया होता है। देखिए बहुत सिंपल सा है, ये किसका है, सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास में एक और फॉर्मूला आता है, पहले इन दोनों फॉर्मूले को आप यहां पुट कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए पुट कर देते हैं, तो हमारे पास में फॉर्मूला आएगा W इक्वल टू चार्ज स्टोर, ठीक है, एनर्जी, इसको लिख दीजिएगा आप टॉपिक में, एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर। ठीक है, तो वर्डन कितना होगा, सिग्मा, Q की वैल्यू जो आएगी, Q की वैल्यू क्या आएगी यहां पास में, Q इक्वल टू सिग्मा A, तो यहां लिख लीजिए सिग्मा A का होल स्क्वायर। ठीक है, 2 वैसा का वैसा ही है, C का वैल्यू आएगा सिग्मा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, तो ये आएगा सिग्मा स्क्वायर A स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A D, ऊपर चला जाएगा तो ये D आ जाएगा, A और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास में क्या आएगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए डी। अब देख सकते हैं कि ये एरिया और इनटू डिस्टेंस है, तो ये इसका एरिया है और ये इसका डिस्टेंस है। ठीक है, तो एरिया इनटू डिस्टेंस क्या होता है, स्मॉल वॉल्यूम, पर्टिकुलरली स्मॉल वॉल्यूम। ठीक है, तो ए डॉट डी क्या बनता है, वॉल्यूम बनता है, ए डॉट डी क्या बन जाता है, वॉल्यूम। तो हम क्या करेंगे, इसको वॉल्यूम से चेंज कर लेते हैं, तो सिग्मा स्क्वायर वॉल्यूम अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, वॉल्यूम अपॉन 2 एप्सिलॉन
नॉन। तो हमारे पास फॉर्मूला आएगा वर्क डन मतलब एनर्जी स्टोरिंग का, कि जब डेंसिटी इतनी होगी तो इतना डेंसिटी इतना वॉल्यूम को लेगा और इतना एनर्जी को स्टोर करेगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा था। अब हमको इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में लिखना है, अलग अलग फॉर्मूले क्रिएट हो रहे हैं। देखिए आप, तो हमारे पास में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एनर्जी स्टोरिंग का जो हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हमारा फॉर्मूला है उसको देखते हैं। तो हमारे पास में आता है E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा इक्वल टू क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट E। तो इस वैल्यू को आप यहां पुट कर लीजिए। तो देखिए सिग्मा कितना आएगा, एप्सिलॉन नॉट E का होल स्क्वायर डॉट V। V मतलब वॉल्यूम, ध्यान दीजिएगा इसमें वोल्टेज नहीं है इसलिए इसको मैं ऐसे घुमा दिया हूं, डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले को आगे बढ़ाते हैं। तो हमारे पास में आएगा W इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर E स्क्वायर वॉल्यूम डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट और ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास में फॉर्मूला आएगा E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट वॉल्यूम डिवाइड बाय 2। ठीक है, V टेंड्स टू वॉल्यूम, इस चीज का आपको ध्यान देना। तो हमारे पास में एक वर्धन का फॉर्म हुआ है आगे, एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द डेंसिटी, कि इसमें कितनी डेंसिटी है और वो भी हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में, कि हर वॉल्यूम इतना वॉल्यूम में कितनी डेंसिटी है और उसके कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा होगा, जितना भी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रिएट होगा वो सब पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। बाद में जब इसमें से हम एनर्जी को लेना रहेगा तो वो पोटेंशियल एनर्जी बाद में काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होके चार्जेस को फ्लो करवाएगा और यही वो एनर्जी है। ठीक है, तो ये था हमारा टोटल एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर। ये प्रोसेस पूरा एनर्जी स्टोरिंग का था और उसके बाद में ये पूरी प्रोसेस, ये एनर्जी हमारा जो स्टोर हो रहा था उसको डेंसिटी के फॉर्म में और इलेक्ट्रिकल जो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके फॉर्म में लिखा गया है। ठीक है, तो ये टोटल डेरिवेशन था और ये हमारा टोटल कंसेप्ट था। आई होप आपको अभी ये टोटली क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई डाउट आता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप डाल दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले हमारे चैनल को। आपका दिन शुभ रहे, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस अवर वीडियो।